हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, सो आज के मेरा वीडियो होने वाला है ट्रिचअप हॉट ऑयल ट्रीटमेंट हेयर मास्क का रिव्यू प्लस डेमो। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि बैक टू बैक मेरे चैनल पे हेयर की इतनी सारी वीडियोस क्यों आ रही हैं। सो मैं बताती हूँ, वो आ रही हैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे। लास्ट टाइम भी मैंने एक शैम्पू और कंडीशनर का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करा था, उसकी भी मेरे को रिक्वेस्ट थी। तो सेम मुझे काफ़ी टाइम से, एक दिन मैं लाइव भी आई थी, आप लोगों को याद होगा, तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि दी प्लीज़ फ्रिजी हेयर के लिए कुछ ट्रीटमेंट बताइए। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे नहीं पता, अगर पता हो तो आप लोगों को मुझे बताइए। आप लोगों ने मेरी वो लाइव देखी थी तो आप लोगों को याद होगा। सो मुझे नहीं पता था, बट अब अगर मुझे कोई पूछेगा तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि फ्रिजी हेयर के लिए क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमारा गेस्ट है ट्रिचअप हेयर फॉल कंट्रोल मास्क। सो गाइस, इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि मैं बहुत ज़्यादा पार्लर नहीं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बालों में कुछ नहीं करवाती हूँ, बिकॉज मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, बट आफ्टर प्रेगनेंसी बालों में इतने सारे चेंजेस आए कि बालों में फ्रिजीनेस आ गई, बाल रफ हो गए, बाल पतले हो गए, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो हेयर के लिए क्या होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप भी एक लड़की हैं तो आपको भी ऐसा लगता होगा। मैं अपना रिव्यू आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लड़कियों का क्या होता है, हम कितना भी तैयार हो जाएं, कितना भी मेकअप कर ले, अगर हमारे बाल सुंदर नहीं लगते ना, तो हमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है कि यार मेकअप तो अच्छा हो गया बट हमारे बाल ही अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन अगर आपके बाल सुंदर लगते हैं, मतलब कहीं पर भी जाना है या कुछ भी है, अगर आपके बाल अच्छे लगते हैं तो आप नॉर्मल सिंपल सा अपना सिर्फ एक लिपस्टिक लाइनर और क्या नाम है मस्कारा या आईब्रोज़ कर लें तो भी आप बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बाल बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बालों के लिए मुझे कोई बताता है ना, अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, बिकॉज बालों से हर लड़की को प्यार होता है, मेरे ख्याल से लड़कों को भी होता है। तो या आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट कुछ टाइम से अपने बालों में बहुत ज़्यादा स्पा ले रही हूँ, और क्लैनफेक्टिव बाय कोमल से, आप लोगों को पता ही है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है यार। लेकिन अब चल रहा है लॉकडाउन तो पार्लर नहीं जा सकते। आई नो अब लॉकडाउन खुल गया है, पार्लर्स भी खुल गए हैं, बट फिर भी जो सिचुएशन है उसकी वजह से, और साथ में जिनके साथ बेबी है छोटा, तो वो पार्लर जाने में अभी भी थोड़ा सा डर रहे हैं, बिकॉज सिचुएशन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, बालों का ध्यान भी रखना है, बालों में स्पा भी करना है, बिकॉज अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो आपको घर पे बैठे बैठे इस ट्रिचअप हॉट ऑयल ट्रीटमेंट हेयर मास्क का यूज़ ज़रूर करना चाहिए गाइस। लॉकडाउन जब पूरी तरह से सब चीज़ ठीक हो जाए, उसके बाद भी क्या होता है, काफ़ी लोग ना बाहर से हेयर स्पा उन लोगों को महंगा लगता है, एक्चुअल में महंगा है भी, हम लोगों के लिए भी महंगा है, बट हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार घर में आलस कर जाते हैं, मास्क पड़ा भी होता है फिर भी हम सोचते हैं यार कौन करेगा, हम बाहर जाके करवाते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोगों का बाहर जाने का मन नहीं करता, या फिर हम बहुत अर्जेंट में होते हैं और हमें कहीं जाना होता है, तो हम हेयर मास्क हम घर पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप घर पे हेयर मास्क कैसे कर सकते हैं और कौन सा कर सकते हैं बेस्ट, मैं अपना आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी, बिकॉज मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अभी मैं आपको भी अच्छे से दिखाऊंगी और बताऊंगी इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके रेट की। इसका रेट जो है वो है 599 रुपीज़, और ये मेरे पास है हेयर फॉल कंट्रोल का। इसमें बहुत सारे अवेलेबल है, कैरेटीन और भी बहुत सारे हैं, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। सो 599 मतलब 600 में आपको ये काफ़ी बहुत अच्छी बड़ी बॉटल मिल रही है, और ऊपर तक की भी मैंने ये अभी 2 से 3 बार यूज़ कर लिया। मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं इसको स्मेल करती रहूँ, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना। एक कैंडी आती थी बहुत पहले, बबल गम वाली, आई डोंट नो मैं फ्रेग्रेंस को ऐसे क्यों बताती हूँ, मुझे नहीं पता, बट कोई भी फ्रेग्रेंस हमेशा जानी पहचानी होती है, तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। सो ये बना है इनरिच्ड विद हिबिकस, होली बेसल्स एंड नेम्स, जो कि तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे सब कुछ मेंशन करा है, योर ओन हेयर स्पा आपको इसको कैसे करना है, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या हैं, डायरेक्शन फॉर यूज़ कैसे इसको यूज़ करना है। इस टब में आपको मिल रहा है 500 ml, जो कि बहुत ज़्यादा है, आराम से आपके अगर बाल मेरे जितने वॉल्यूम एंड लेंथ है तो आप इसको आराम से 8 से 10 बार यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको भी
3 बार यूज करा और ये इतना खत्म हुआ है, तो आप लगा सकते हैं मैं इसको ज़्यादा ही कर लूँगी। सो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। आई नो सबको आता होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि मैं इसको घर पर खुद कैसे यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बट अगर आप इसको सही तरह से अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, घर पे स्पा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ना कर पाएँ या आप सोचें कि हम कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको अपने बालों को ना वॉश कर लेना आपके फेवरेट शैम्पू या जो भी आप रिसेंट में शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उससे। वो इसलिए क्योंकि मास्क के बाद हम शैम्पू नहीं अप्लाई करेंगे, मास्क को हम नॉर्मल पानी से धोएंगे। तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है शैम्पू से, और शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका तिगुना अच्छा काम हमारा मास्क कर देगा। तो मेरे बालों को बस इतना गीला रखना है कि पानी टप 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 के ना बस बाल घिले रहे। उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे मैं पार्टीशन कर करके सेंटर से स्टार्ट करा है मैंने, और पार्टीशन कर करके मैं अच्छी तरह से हर पार्टीशन में, जैसे कि हम डाई या फिर बालों में मेहंदी वगैरह लगाते हैं या कलर लगाते हैं, उस तरह से ही हमको बालों में मास्क लगाना है। हर एक सेक्शन निकाल निकाल के बालों का साइड बाय साइड में कर रही हूँ, और फिर उसके बाद पीछे भी करूँगी। तो अच्छी तरह से आपको मास्क लगाना है। बस मास्क में और कंडीशनर में ये फ़र्क होता है कि कंडीशनर को हम अपने स्कैल्प पे ना लगा के सिर्फ लेंथ पे लगाते हैं, मतलब नीचे के बालों में लगाते हैं, बट जो मास्क होता है वो हम रूट्स में भी लगाते हैं, मतलब स्कैल्प में भी लगाते हैं, क्योंकि वो स्कैल्प से ही हमारे बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो मैं यहाँ अच्छे से पीछे भी अपने बालों में लगा लूँगी। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप घर में अपनी मम्मी, सिस्टर या किसी की भी हेल्प लेकर ये चीज़ करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ही करनी है, आप अपने हस्बैंड से भी लगवा सकते हैं। वैसे मैं दीपू से ही लगवाती, बट दीपू यहाँ वीडियो फिल्म कर रहे थे। सो बस आपको अच्छी तरह से, जैसे मेरे को लगता है कि मेरे नीचे के जो लेंथ के बाल हैं वो नीचे के बाल ज़्यादा ड्राई हैं, तो मैं वहाँ पे अच्छी तरह से लगा लूँगी। और ये वाले मोस्टली बाल सबके ही रफ होते हैं। इसको लगाने के बाद आपको मसाज करनी है हल्के हाथों से, 5-10 मिनट जितनी भी देर आप कर सके। उसके बाद आपको सिंपली बन बनाकर इसको रखना है, तब तक 15-30 मिनट तक, जब तक ये बाल आपके ड्राई ना हो जाए, मतलब स्पा आपका सूख ना जाए। तो अब मैंने यहाँ बन बना लिया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, फिसल रहे थे हाथ मेरे। और ये देखिए मेरा स्पा अच्छी तरह से बालों में लग गया है। आफ्टर 30 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं मेरा मास्क अच्छी तरह से बालों में ड्राई हो गया है, वो हाथों में भी नहीं आ रहा। और अब मैं आप लोगों को वॉश करके इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे बालों में फ़र्क दिख रहा होगा। ये शाइन जो आप लोगों को मेरे बालों में दिख रही है सिर्फ और सिर्फ मास्क की वजह से है, और इतने अच्छे मेरे को मेरे बाल फील हो रहे थे ना, मन कर रहा था बस मैं उनको छूती रहूँ। मेरे उंगलियाँ कहीं से भी बालों में नहीं उलझ रही थी। और अभी मैं आपको ड्राई करके भी दिखाती हूँ मेरे बालों में, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे फ़र्क। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी, शाइनी, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया, और फ्रिजीनेस जो थी ना वो मेरे बालों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं सच बोल रही हूँ गाइस, मैं इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे मेरी गोद में मायरा है, क्योंकि वो सोकर उठी थी तो वो रो रही थी, नहीं मान रही थी, तो मुझे उसको गोद में लेना पड़ा। और देख लीजिए मेरे बाल। अब अगर आप लोग सोचेंगे कि ये हेयर मास्क आपके स्प्लिट एंड्स भी हटा दे, तो वो नहीं होगा गाइस। स्प्लिट एंड्स हटाने के लिए आपको अपने बालों को कट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये आपके बालों को काफ़ी हद तक स्मूथ करेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप बिलीव करिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं ना, अगर आपके बालों की हालत मेरे जैसी थी, अब काफ़ी हद तक मेरे बाल ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप अपने बालों के लिए काफ़ी कुछ कर रही हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बता दी थी, मैं टाइम नहीं दे पाती थी मायरा की वजह से। अब मायरा बड़ी हो रही है, तो मैं अपनी स्किन के लिए भी काफ़ी कुछ कर रही हूँ। और अगर आप लोग मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं ना, थोड़ा सा भी, आप लोगों को पता ही है कि मैं प्रोडक्ट पहले खुद यूज़ करती हूँ। जब तक वो इफेक्टिव नहीं होता मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बिकॉज आप लोग भी मेरी फैमिली है। सो एक बार आँख बंद करके मेरे कहने पर ना, इस पर आप 600 रुपीज़ ज़्यादा भी नहीं लग रहे हैं, एक बार इसको बाय करके यूज़ करके ज़रूर देखिए गाइस। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डेफिनेटली आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आपके नोन में ऐसा कोई है जो आप लोगों से हेयर मास्क के लिए या फिर अपनी फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी प्लीज़ उन लोगों के साथ इसको, इस हेयर मास्क को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी बहुत लोगों की। सो या गाइज, आज का मेरा वीडियो यही था। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो।
और अगर आपको इसको बाय करना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा और वहाँ पे क्लिक करके आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। बस या बहुत ज़्यादा हेयर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज़ कोई मास्क शेयर करिए, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी निपटा देते हैं फटाफट से, बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। या अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, खास करके उन लोगों के साथ जिनको बालों की प्रॉब्लम है, और सबके साथ ही कर दीजिएगा बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है, सबको ट्राई करनी चाहिए। और या मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।